हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं कोरोना को हराने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने न सिर्फ पैदल घर जा रहे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की बल्कि फरीदाबाद लोगों को संदेश भी दिया। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश में कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बीच हजारों की संख्या में लोग शहरों से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। उनके पास घर लौटने का ना कोई साधन है और ना ही भूख मिटाने के लिए खाना, ऊपर से कोरोना वायरस का खौफ। ऐसे में इनके लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल एक मसीहा बनकर सामने आए जो इन्हें हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं पूर्व, और यहाँ पर आज जो है जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाना भी वितरित किया, साथ ही जो पक्षी हैं उनके लिए दाना भी डाला गया है, और जो बेजुबान जानवर हैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाया है, साथ में खाना वितरित भी किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री, जिस तरीके से जो आपदा है, ये संक्रमण जो फैल रहा है, किस तरीके से बचाव करें लोग, और आज आपने बहुत अच्छा काम किया। आज ये विश्वव्यापी आपदा है, हर किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस आपदा से बचते हुए लोगों को एजुकेट भी करना है और लोगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ उन्हें खाना पानी दवाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप भी, हम थर्मल हेल्थ चेकअप के लिए जितने भी लोग मथा रोड से पलायन करके इधर उधर जा रहे हैं उन सबका हेल्थ चेकअप करके अगर उन्हें दवाई की ज़रूरत है दवाई, और उन्हें किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है या लगता है कि उसमें कुछ कोरोना के सिम्टम्स हैं तो उसको वहीं रोक कर इसको स्प्रेड करने से रोका जा सकता है। और इसके अलावा नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, चाहे गली में घूमने वाली गाय हैं, चाहे स्ट्रीट डॉग्स हैं, चाहे पक्षी हैं, इन सब का ध्यान भी हमें ही रखना है। अगर एक एक व्यक्ति एक एक मुट्ठी दाना अपनी छतों पर डाल देगा और एक बर्तन पे पानी रख देगा तो मैं समझता हूँ इन पक्षियों को हम बचा सकते हैं। और घर में सिर्फ मात्र दो रोटी कुत्ते के नाम की और दो रोटी गाय के नाम की बनाकर हम अपने घर के बाहर रख देंगे तो मैं समझता हूँ इस नेचर को बैलेंस कर सकेंगे, इन जीव जंतुओं को भी खाना मिल सकेगा। मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश। इस विकट स्थिति में साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के लोगों को अपने खाने में से जो जानवर हैं या पक्षी हैं उनके लिए जरूर जो निकालें ताकि वो भूख से ना मरें और इस विकट स्थिति से जो है काबू पाया जा सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। पूरे हरियाणा में यही स्थिति है, बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे हैं जिनकी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मदद की। विपुल गोयल ने ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कराकर जांच कराई, साथ ही उन्होंने इन परिवारों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की। वहीं उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में एक भी परिवार भूखे पेट नहीं सोएगा। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हमने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करके एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक छुड़वाने का काम भी किया, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप कराने के बाद कि जिस तरीके से ये वायरस आगे ना फैल सके, किसी के अंदर कोई संक्रमण के कोई दिखते हैं कि आगे ना बढ़े तो उनको यूं ही रोक कर जिनका हेल्थ चेकअप है रेगुलर मथा रोड पर चल रहा है और अभी भी वहां पर खाने का वितरण भी रेगुलर चल रहा है। कोरोना के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अपने तरीके से जंग लड़ रहे हैं और प्रदेश में लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं। विपुल गोयल खुद सड़कों पर उतर कर किसी चीज की परवाह न करते हुए लोगों की देखभाल में लगे हैं, क्योंकि लोग सुरक्षित तो प्रदेश सुरक्षित और प्रदेश सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।